सर डिजिटल दौर है और डिजिटल क्राइम भी आ गए हैं अब पाकिस्तान में, सिंध में तो ख़ास तौर पे ज़्यादा हो रहे हैं, और बदकिस्मती से इनका जो कनेक्शन है वो एक औरत के साथ जाके मिलता है। फ़र्ज़ करें किसी औरत को ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी तस्वीरें अपलोड की जाती हैं या दीगर जो मामलात होते हैं, ऐसे मामलात में होता ये है कि लड़की के पास इतनी विल नहीं होती, इतना हौसला नहीं होता कि वो FIA में जाए, साइबर एजेंसी में जाए या कंप्लेन करें। मैं उसको आसान कर देता हूँ अपने सवाल को, कि लड़कियाँ ऐसे मामलात में पीछे हट जाती हैं। आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इस हवाले से ख़वातीन को प्रॉपर्टी या दीगर मामलात में, तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसी ख़वातीन के लिए जो ऐसे मामलात में घिरी हुई हैं, लेकिन कुछ सोसाइटी का प्रेशर, कुछ लोग क्या कहेंगे, अम्मा क्या कहेगी, अब्बा क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और वो चुप चुप करके बैठ जाती हैं और उस नाइंसाफी पे कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बात खाली सिंध तक ही नहीं है, हमारे एक सोशल कल्चर बन गया है जिसमें हमने ख्वातीन को दूसरे दर्जे का समझते हैं, जबकि औरत जो है वो उसका बहुत बड़ा मुकाम है। वो हमारी माँ हैं, बहन हैं, हमारी बीवी है, हमारी बच्चियाँ हैं, तो हमें जब तक उन औरतों को इज्जत के ऊपर मुकाम ना देंगे, अपने बराबर ना समझेंगे, जब तक ये मसला आएगा, हमें अपनी बच्चियों को तरबियत में ये हौसला देना चाहिए कि वो बहुत ही एतमाद के साथ, खुदा ना खास्ता अगर उनके साथ किसी किस्म की बदतमीजी होती है कोई, या कोई किसी किस्म का उन्हें शिकायत नज़र आती है, तो वो बग़ैर किसी खौफ और तरद्दुद के अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने वालिद को बता सके। जब ये कम्युनिकेशन फैमिली में कम होता है, बच्ची डरती है अपनी बात अपने वालिद को बताने में, अपनी माँ को बताने में, तो फिर क्राइम होता है। अगर ये कम्युनिकेशन हम ख़ानदान में बढ़ा देंगे तो कभी भी ये क्राइम नहीं हो सकता है। उसके बाप, उसकी माँ, उसके भाई उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तालीम का के ज़रिए हम अपनी बच्चों को आगाही फराहम कर सकते हैं कि वो इस किस्म की एक्टिविटी में ब्लैकमेल ना हो। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पे नज़र डालना होगी, जिसके अंदर स्कूल और कॉलेजेस में बच्चियों को बताया जाए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे के लोग उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं या उनको हरास कर सकते हैं, तो उस चीज़ से वो होशियार रहें। जिस्म का कौन सा हिस्सा है जहाँ पर बच्ची के अगर कोई भी हाथ लगाए तो उस बच्ची को समझ जाना चाहिए कि ये गलत चीज़ हो रही है, और वो इमीडिएटली अपने टीचर्स को बताए, अपने घर में आकर बताए, ताकि उसको रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हुसैन खिलजी साहब।